मैंने सुना है कि पिछले दिनों अमेरिका में किसी ने रिसर्च ने बड़े लेवल पर रिसर्च किया है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनमें से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपनी कंट्री में या वर्ल्ड में। बहुत खुशखबरी मिली हमारे इंडिया के लोगों को, मुझे भी खुशी हुई सुनकर हुई कि सबसे नंबर वन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं 55 मार्क्स से, 55 पॉइंट्स लेकर आए हैं। और नंबर टू पर जो आया है मुझे लगता है मेक्सिको की लीडर है, जो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर पता नहीं, वो नंबर टू पर आए हैं और बाकी सब जितने 15 लीडर्स हैं ग्लोबल वो उनके नीचे आए हैं। और हैरानी की बात ये हुई कि ट्रंप -15 पर आया है, इवन लंदन के जो बोरिस जॉनसन है वो भी माइनस में आए हैं। तो क्या अपोजिशन को नहीं लगता कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का हर डिसीजन? अगर वो किसान आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें आप मिनमेक निकालते हो, अगर वो CAA की बात करते हैं तो आप उसमें भी मिनमेक निकालते हो, अगर वो बात करते हैं 3 तलाक के बारे में भी तो भी उसमें आप करते हैं। आपको क्या लगता है कि पूरा जब वर्ल्ड इस बात को मान गया है कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी, सोचने का तरीका पूरे वर्ल्ड के लोग मान गए हैं, बड़े बड़े लोगों ने इस बात को माना है कि आपके देश में एक लीडर है जो सिर्फ अपनी कंट्री का ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बारे में इतनी बड़ी सोच है उसकी, ये मानना शुरू कर दिया है, तो क्या मैं अपोजिशन पार्टी को ये कहना चाहूंगा? और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मैंने तो ये बात 2014 में भी कही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी सिर्फ CM थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, PM पद के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था। मुझे याद है एक बहुत बड़े चैनल वालों ने एक डिस्कशन रखा था और साफ पूछा था कि मुकेश जी क्या आपको क्या लगता है कि इतने इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स को छोड़कर एक नए एक यंग नए कोई PM पद के लिए किया जा रहा, आपको क्या लगता है? उनका कहना था कि आडवाणी जी भी हैं। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त मेरे मुझसे कहा, मैंने कहा मैं आडवाणी जी को भी जानता हूँ, मैं सुषमा जी को भी जानता हूँ, मैं जितने भी बड़े बड़े लीडर को, मैं BJP से बहुत नजदीक था उस जमाने से। पर मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे लगता है एक बात बता दूं कि सब अच्छे लीडर्स हैं, आडवाणी जी कमाल के लीडर हैं और भी जितने भी हैं वो सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स भरे पड़े हैं, पर जो नवीनता इस शख्स में है, इन शख्स में है, नरेंद्र मोदी जी के शख्स में है, वो नवीनता किसी के अंदर नहीं। अगर और कोई PM बनकर आता है देश वही रफ्तार से चलेगा, लेकिन ये नया बंदा जो सडनली गुजरात से उभरा है और जिसके अंदर इतना कुछ दिख रहा है, स्ट्रेटेजी दिख रही है, इनके अंदर कुछ नवीनता है तो देश जो है वो प्रगति के राह पर स्पीड से चल सकता है। मेरी बात को कई लोगों ने नहीं माना लेकिन बात सही साबित हुई, मेजोरिटी से, थंडरिंग मेजोरिटी से मोदी जी 2014 में जीते। उसके बाद फिर इलेक्शन आया 4 साल के बाद, फिर दूसरी बार जीते। तो मोदी जी के मैं ओपनली कहता हूं कि अगर हमारे देश का कुछ, बिकॉज हमारा देश बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहा है, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है लेकिन मसले बहुत हैं, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल से, और ऊपर से अपोजिशन पार्टी है, कभी कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं तो कभी आरक्षण के नाम पर लड़ते हैं, तो कभी संभालना इतना ईजी नहीं है भारत जैसे विशाल देश को, जिसमें हम कहते हैं विविधता में भी अनेकता में भी एकता है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम्स भी उतने ही हैं। बट मोदी जी हैं जो इसको कर सकते हैं और मैं ओपनली कहता हूं कि अगर हमारा देश प्रगति कर सकता है तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में कर सकता है। अगर इनको किसी भी तरह से प्लानिंग करके, कुछ भी करके, आप अलग अलग तरीकों से, जो इन लोगों का अपोजिशन का लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हमको इस शख्स को हटाना है, ओपनली कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमारे देश का फायदा हमने करना है, अगर उनको हटा दिया तो देश फिर चला जाएगा पीछे, और देश का अगर कुछ भी हो सकता है तो मैं दूसरी बार कहना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो इसीलिए सपोर्ट कीजिए मोदी जी के सोच को, सपोर्ट कीजिए उनके सारे प्लान्स को, मत अपोजिशन के लिए और मत इन लोगों के चाल में आइए जो बार बार हर बात का सबूत लेते हैं। जैसे कल 2 वैक्सीन हमारे देश में बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि हमने अपना इंडिजिनस वैक्सीन निकाला, अब उसके ऊपर भी अपोजिशन को एतराज है, क्या सबूत है आपके पास, कहाँ ट्राई किया आपने, आप क्यों अपने ढोल धमामे बजा रहे हो? अरे भाई एक अचीवमेंट है हमारे हमारे देश के डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की, जिन्होंने एक वैक्सीन को लाया जब पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है
और कोशिश कर रहा है, वैक्सीन बना रहा है, उसमें हमारे हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने एक वैक्सीन बनाया है, तो कदर करो उसके। उसके बदले अगेन कोई अपोजिशन को, तो अपोजिशन से जो मैं पहले बोल चुका हूँ, यहाँ अपोजिशन होता है, करिए। जिसकी तारीफ करनी चाहिए उनकी तारीफ करिए। मोदी जी तारीफ के लायक है, उनकी स्ट्रेटजी तारीफ के लायक है, तो तारीफ कीजिए। देश आपका आभारी रहेगा।